तो हम लोग जा रहे हैं मस्तानी के बर्थडे गिफ्ट को लेने। एक गिफ्ट आया है हमारे लिए भी और वो ये है। कमेंट से तो ब्याह होएंगे अब। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ। वन टू थ्री। राम राम जी, कैसे हो सारे भाई। स्वागत है आपका नंदू गुजर के ब्लॉग्स में। स्टार्टिंग हम करेंगे क्योंकि हम तो अभी है। अब बात ऐसी है कि आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि मस्तानी बाबूजी का बर्थडे है और बर्थडे है तो बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट भी मिलना चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं मस्तानी के बर्थडे गिफ्ट को लेने। अब गिफ्ट है थोड़ा सा बड़ा तो इसलिए लोग लग रहे हैं ज़्यादा। मस्तानी और नितिन भैया और मान भाई सब जा चुके हैं। अब मैं भैया और गैल के छोटे छोटे दो भाई जा रहे हैं सब उसकी गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो ये है आज के ब्लॉग का स्पेशल जो यूएसपी है ब्लॉग की, वो ये है कि आज मस्तानी की गाड़ी आ रही है, नई गाड़ी। और वो कौन सी होगी ब्लॉग में आके आपको पता चली जाएगा। तो आज मस्तानी का बर्थडे है और उसके गिफ्ट में आ रही है उसकी नई गाड़ी। मौसम में बदलाव, पॉल्यूशन 750 एयर इंडेक्स में निकलो मत बाहर बस। तो बहुत ही खराब है ना ये 750। हम जिम करो और ऊपर रूम लो और वहीं सो। और हाँ, मस्तानी के बर्थडे पे एक सरप्राइज और है इसी ब्लॉग चैनल पे जहाँ आप देख रहे हो। आप नंदू भैया के लिए क्या, हम सबके लिए एक सरप्राइज है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गिफ्ट आया है हमारे लिए भी और वो ये है, ये रहा नंदू गुजर ब्लॉग चैनल का सिल्वर प्ले बटन। भैया ब्लॉगर बन गए आप तो। भैया गैंगस्टर से ब्लॉगर बनने का सफर कैसा रहा? सफर बढ़िया रहा पर गैंगस्टर वाली ठीक है। वीडियो फिल्म बनाने वाले बड़े आदमी रहे, रीलर वीडियो वाले आदमी सही रहते। मैं कहता रहा हूँ कि मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं इनकी फिल्म बनाने वाले ब्लॉग बनाने लग गए। अच्छी बात ना है। ये ब्लॉग तो छोटे मोटे ब्लॉग तो ऐसे ही थोड़ा सा पब्लिक बना रहे फन फॉर फन। पता क्या, दो चीजें एक बात और बताऊंगा। मैंने भी ब्लॉग शुरू करा, आपको पता ही है प्रोसेस वाला। एक महीना उस पे ब्लॉग नहीं डाला, एक महीने से इस वाले चैनल पे ब्लॉग नहीं डाला। ब्लॉग डालना तो भूल ही जाओ हम भी, पर कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ देखो रोज की चीजें में यार, इतना कुछ है क्या करें। इतना शादी आ रही है, नंदू भैया की शादी आ रही है, नंदू भैया की शादी आ रही है। ये भी साथ में आ रही है, इसके साथ मेरे साथ में आ रही है। अच्छा उसी दिन पक्का करवा रहे हो? बराबर में रखवा दिए तो पंडित जी एक बुला भैया। या तो आ रहे आप इस साइड होते। शादी कब तेरी? मेरी शादी का देखो पता है क्या, हाइप तो इतनी ज्यादा हो गई है मेरी शादी की कि अब हर दिन लोग मुझसे गुड मॉर्निंग करने की जगह ये पूछते हैं कि भाई शादी कब हो रही है। जैसे मेरे कमेंट में जैसे मैं किसी भी दिन डेट बता सकता। एक तो एक ने बता क्या कमेंट करी भाई, तेने पता नहीं कुछ लिखा दिखा मेरे बारे में तो उसने। अरे मैंने ये मिर्दोल भाई और नंदू भाई साडू साडू मन गया भाई जी। कोई दिक्कत, हमारे घर वाले भी ऐसे होंगे ना जो दोनों बहन बनवा देंगे दोनों आपस में जल्दी से। सही है। और ये रहा सिल्वर प्ले बटन, थैंक यू सो मच। अभी आपको एक चीज और बताऊं, देखो हमें इसकी एक्साइटमेंट कितनी है ये देखना। इसे आए हुए 10 दिन हो गए और बेचारे का भी टेप भी रोको ठीक है, क्योंकि हम थोड़े बिजी थे और करवा चौथ वाली जो वीडियो है नहीं लगे हुए थे। थोड़ा हम बिजी थे करवा चौथ में, करवा चौथ बनाने में। वीडियो का तो बहाना है, वीडियो का तो बहाना चल रहा है ना, हम करवा चौथ बनाने में बिजी तो उसमें बिजी थे। लेकिन आज इसको भी अनबॉक्स करेंगे और मस्तानी की नई गाड़ी को भी अनबॉक्स करेंगे। मैंने सुनी तो किसी ने व्रत रखा है भाई? मुझे व्रत तो बहुत रखे है मेरे बारे, पर मैं पानी पीवा नहीं जा पाता। क्या है हमारी गाड़ी 8-10 दिन से खड़ी है, दोनों तीनों गाड़ी खड़ी है हमारी, बैठे ना हम तीनों में ऐसी खड़ी है। जबकि किसी पे गाड़ी हो तो दुआई तो व्लॉग ही व्लॉग, या को टायर पंचर हो गो, एक तेल खत्म हो गो। सही बात है, रोज का बना जाए, रोज की खा बना उन गाड़ी इनके कह ली। मैं तो मलूक लग रहा हूं ऐसा। आप भाई मुझसे मलूक हो यार। ये झूठ झूठ रही था भाई, सच्ची बात यार। तो हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, देखिए है ना, और सबका ही। पर हम ऐसे ठीक लग रहे हैं, नंद हुए ऐसे ठीक लग रहे हैं, मुझे ये इसी लुक में अच्छे लगते हैं तो लगते हैं भाई, क्या कर सकते। कौन से लुक में? आप ऐसे लुक में, ऐसे देखिए। हर चैलेंज के बाद मेरी थोड़ी सी बॉडी बन गई 100 ग्राम और ये देखो वजन उतना ही है, 1 किलो बढ़ गया है। डाइटिंग बोल रहे मस्तानी, इतना एक्साइटेड कह रहा हूँ भाई, गाड़ी मेरी आएगी
नींद ना ही रात को नींद। हाँ, 5 दिन से आना, मतलब मैं सच्ची बताऊँ, आना है यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, उन्होंने अपने सब चीज सारे ब्लॉग ब्लॉग देख के कि भाई ये है वो है, ऐसा कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है, नंबर भी 0 बुक करवाया, गाड़ी आते छिन जाएगी, ठीक है गाड़ी आते ही हम लेके चल लेंगे जम्मू, और मस्तानी की गाड़ी का नंबर भी बुक करवाया, पता है इस बार रेट क्या बैठा उसका, करीब 120 का मिला शायद नंबर, सस्ता मिलेगा सर, कोई ज्यादा था ही नहीं इस बार बिडिंग पे लगवाया, सारी गाड़ी इनका ओपनिंग 60,000 रुपए की पर्ची है, 170-180 मतलब 75-80 तो नॉर्मल रहे हुए, बता दू मैंने सोच बता दे बता दू मैं बता दू सब है? बता दो किधर भी फिक्स होगा भाई, क्यों झूठ खबर फैला रहे उधर, नहीं 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 भाई ना भाई हो जाएगा फिक्स होगा, 11 तारीख को 11-12 तारीख दिसंबर में डेट फाइनल करनी है अभी, तो हम सोच रहे हैं कि 23 नवंबर को इसका फाइनल करके खत्म करें, करवा दो करवा दो। चलो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी झूठी लड़की का नाम बताओ, मैं कह रहा हूँ आपकी बात झूठी सही, पर ऐसे सच तो करवा दो, सच करो ना, सच है वैसे, मतलब चल रही है 50% बात इसकी फाइनल हो गई शादी की, 50 जोड़ लगा के खींच के कमेंट मार के खींच के कंप्लीट कर दो, क्या बात कर रहे यार, अब एक बात बता, हम इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी, बात मानते हैं इनकी, सारी बात मानते हैं, एक चीज और बताऊं तो अब बात ऐसी है कि रामलीला मैदान में इसकी शादी कराई जाएगी, मेन स्टेज पे रावण की जगह बैठाया जाएगा, भाई मैं रावण की जगह बैठूंगा यार, राम की जगह बैठा हुआ है मुझे यार, अच्छा रावण हम होंगे फिर ना राम भाई आप होगे, मैं लक्ष्मण होगा, ठीक है लक्ष्मण, ठीक है लक्ष्मण की, तो राम की शादी पहले होगी, लक्ष्मण जी राम की शादी पहले हो जाएगी दोस्तों, मालदीव जाएंगे ना, तो तू भी साथ में चलियो, मालदीव जाएंगे, अभी कम से कम 2-3 साल पहले मेरे दिल ने एक बात कही पापा से, मतलब है ना फ्लो फ्लो में बात कहेगा, पापा नितिन को कह रहे कि मालदीव मालदीव जाओ घूमने, तो कह लगा जैसे ही नंदू भाई की शादी हो जाएगी, मेरी हो ना हो मैं किराए के ले जाऊंगा बस आपकी शादी होता ही जैसे अगर मेरी फिक्स होगी अगले दिन निकल जाएंगे तुरंत, फिक्स होता ही, और फिर बनाएंगे मालदीव से ब्लॉग, तो मस्तानी और नितिन भैया को सुबह भेज दिया था अपना पेपर वर्क डन करवाने के लिए, तो उन लोगों ने सब आके साइन वाइन 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 जो करने हुआ ना आधे घंटा लगाया उन्हें, ठीक है वो सब करवा के डन कर दिया, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है क्लियर, अब बस जाना है, हम पहुंच रहे हैं 5-10 मिनट में डिलीवरी लेके सीधा फोन, तो तुम जो कह दो डायलॉग एक, 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 और सुनो, ओ भाई आजकल तो गाना भी गुनाह है, नई वाली वीडियो ना करवा चौथ वाली, वहां मैं मम्मी जैसी घर सुनी के लिए पहले वाले सीन में एक गाना मम्मी गुनगुना रही है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, है ना 7 सेकंड का, और टी सीरीज ने कॉपीराइट मार दिया, मैंने फोन करवाया मैंने की इसको हटवाइए फटाफट, तो फिर हटवा, अब तो दिक्कत है गुनगुना भी नहीं सकते, बताओ यार गुनगुनाने पर आपने ना शब्द बोल पे कॉपीराइट ले रखा है, ये समझो कितनी कैडी बात है, नहीं चलो तो फिर मस्तानी दिखाते हैं, हो गया पेपर, कैसा लग रहा है तुझे, बहुत तगड़ा, मतलब मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है अंदर से, कैसी जस्टिफाई करो, डायलॉग मार दो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ मस्तानी, सब चीज़ ठीक है, तो एक बात बता, हाँ मैं वीडियो बनाता अच्छा लग रहा हूँ, बदमाश हो जैसे पहले वैसे ठीक लग रहा है, तुम ना तुमको बदमाशी चल शुरू कर, तुम बदमाशी के बल से बंद, नहीं बंद नहीं बंद नहीं, बदमाशी की वीडियो बनानी है, बदमाशी वीडियो बनानी है, जल्दी पकड़े जा करेंगे, कॉपीराइट कॉपीराइट कौन सी गाड़ी उस्ता नहीं, गाड़ी पहले नहीं दिखाती क्यों बता रहा हूँ मैं तो यहाँ वजह से कह रहा हूँ, तू यहाँ ऑडियो ऑडियो बता दे, वरना व्हाइट कलर की जस्ट क्योंकि नहीं तो, वरना नहीं तो न्यू जनरेशन तो भाई ये है हमारी नई गाड़ी, इसका पीछे का लुक बहुत तगड़ा लगता है मुझे, ये वाला लग रहा है ना प्यारा प्यारा, नहीं तगड़ा लग रहा है, जस्ट लाइक अ वाओ, ये व्हाइट लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, ओह फैंटास्टिक, लेके जा रहे हैं नितिन कैसे साइन कर, साइन कंप्लीट होने के बाद लेके जाइए गाड़ी प्रॉपर्टी साइन कर दी, प्रॉपर्टी साइन कर सारा पैसा फोन पे से भेज दिया सारा, साइन नंबर क्या लिया है, यूपी 16 DZ 0100 0100 0100 एक याद देखो
तू या मलू जब आवे ना वो हंसी आवे क्यों पता नहीं मलू का हूं मैं जब ये फोन कुछ और दिखा देना तेरा असलियत असलियत नहीं दिखा पा रहा है फोन जन्मदिन हैप्पी बर्थडे लिखते यार कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू कार ऑन योर न्यू लार आप बताओ भाई कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया आप बताओ कैसा लग रहा साइडमैन कैमरामैन फोकस करो तो आ गई सानी की गाड़ी मजा आ रहा हूँ अब तो नींद आ जाएगी बेटा आज रात को आज तो नींद में आ जाएगी आज तो ये गाड़ी में सफर अब तो आज नींद चला रही है अब तो चलेगी आज ये गाड़ी मस्तानी गाड़ी में सो सके आज मस्तानी गाड़ी में सो कह रहा था डिग्गी में सोऊंगा कि डिग्गी बहुत बड़ी है ना पूरी रात फरार चलो मस्तानी कांग्रेचुलेशंस बेटा थैंक यू ब्रो हैप्पी जन्मदिन धन्यवाद दुनिया में आने के लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद मस्तानी की सबसे पहली गाड़ी मस्तानी की सबसे पहले सेंट्रो अब ये अगली ऑडी ले जाएंगे ऐसे ऑडी हुंडई में बन जाएगी जब मेरे अलावा कोई बैठ जाएगा सीट पे मस्तानी यस बेटा गाड़ी ले ली तेल को पैसा कौन देगा तम बैठ यस सीट पे बैठ भाई पहले नहीं आए थे पंडित जाओ पंडित जी आ जाइए गाड़ी में सामने मस्तानी को भगा दिया सबसे पहले बैठेंगे निमस्तानी को बैठाना था वैसे नाइस भाई बहुत अच्छी गाड़ी अच्छी है गाड़ी है बिल्कुल वाइट रिव्यू बिल्कुल टॉप इतनी सारी चीजें इतने 10 में से 15 नंबर दे दिए मस्तानी 10 में से 15 नंबर इस गाड़ी नितिन ने सच में बहुत प्यारी गाड़ी बिल्कुल गाड़ी टॉप की है 10 में से 15 नंबर हमारे दोनों के 15 दून 30 30 नंबर हो गए 10 में से गाड़ी बहुत अच्छी है भाई सच में 10-15 लाख रुपए का किस चीज चलाएंगे तब देखेंगे 15-16 लाख रुपए का जिसका भी बजट हो गाड़ी वरना बिल्कुल टॉप क्लास है बिल्कुल टॉप अच्छी गाड़ी है पता है क्या है लोगों का ये कहना है इस गाड़ी को लेके कि ये गाड़ी ना ज्यादा अच्छा है इसका लुक नहीं है ये नहीं है वो नहीं है इसका लुक यार इसका लुक फ्यूचर को देख के सोचो ना एक बार सब पुराने लुक वाली गाड़ी तो है ही अब नया लुक भी तो कुछ ट्राई करके देखो नया लुक है आगे पीछे की नया लुक है हमारी तरह नए नए बालक है नई नई चीज चाहिए हमें